इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा से, जहां आग लगने से गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है और एक एक कर 12 सिलेंडर ब्लास्ट हुए। सिलेंडर ब्लास्ट होने से गोदाम और दुकान की क्षतिग्रस्त हो गई है, साथ ही सिलेंडर ब्लास्ट होने से बाजार में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो यह पूरा मामला जनपद गोंडा के उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र के आदमपुर बाजार का बताया जा रहा है, जहां आग लगने से गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है। तो बड़ी खबर कही जाएगी इस वक्त की, जो हम आप सभी दर्शकों को उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा से बता रहे हैं, जहां आग लगने से गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है और एक एक कर 12 सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं। सिलेंडर ब्लास्ट होने से गोदाम और दुकान की क्षतिग्रस्त हो गई, साथ ही सिलेंडर ब्लास्ट होने से बाजार में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड टीम काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो एक बार फिर से आपको बता दें, पूरा मामला जनपद गोंडा के उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र के आदमपुर बाजार का बताया जा रहा है। इसमें ये आदमपुर में थाना उमरी बेगमगंज में, यहाँ पे तीन भाइयों की एक एक कमरे की दुकान थी। इसमें बाबू के द्वारा अपनी दुकान में खुद ही साइकिल के पंचर बनाने का काम किया जा रहा था, लेकिन वहीं पे छोटे 5 केजी के उसने सिलेंडर्स रखे थे और उन्हीं सिलेंडर्स में आग लग जाने के कारण से वह दुकान और उसके बगल में एक उसी के भाई की दुकान, जो बढ़ई ने किराए पे ले रखी थी, वह दुकान भी पूरी तरह से जल गई है। और उसके बगल में उसका जो तीसरा भाई था, वो अपने परिवार सहित रहता था, वह दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गई है। इसमें संपत्ति का नुकसान हुआ है, जनहानि नहीं हुई है। फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस प्रशासन और राजस्व प्रशासन के द्वारा मौके पर पहुँच करके और इसमें इस पे काबू पाया गया है। इसमें ये भी बताया जा रहा है, और भी हम लोगों ने निरीक्षण भी किया है, कि बगल में एक मोबाइल शॉप की दुकान है, वह दुकान भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इसमें हम लोग इसमें संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा कायम करा रहे हैं, और साथ ही साथ ये एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत भी इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, कि उसके द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लिए हुए ये 5 केजी के सिलेंडर्स का व्यापार किया जा रहा था। ये अनुमति लेना चाहिए और उसके लिए सुरक्षा के संबंध में जो सम्यक कार्रवाई करनी चाहिए थी वो करना चाहिए था, इसके द्वारा नहीं किया गया है, इसलिए इसके विरुद्ध कार्रवाई करा रहे हैं। साथ ही साथ इसमें क्षति का आकलन करते हुए इनको अनुतोष दिलाने की भी कार्रवाई हम लोग करेंगे।